नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आपके पास में जियो की सिम है और आप माई जियो ऐप यूज़ करते हैं और आपने माई जियो ऐप जो है आपके सामने, आप यहाँ पर देख सकते हो माई जियो ऐप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो माई जियो ऐप है, तो आपने अगर इसमें अपना यूपीआई बना रखा है, यूपीआई ऐड कर रखा है, जैसे कि जो आपका भीम यूपीआई होता है बैंक अकाउंट से रिलेटेड, जो कि पैसे ट्रांसफ़र लेन देन के लिए काम आता है, ये उसी के बारे में होता है यूपीआई। माई जियो ऐप में अपने अकाउंट को भीम यूपीआई को लिंक कर रखा है, तो आप उसको कैसे डी रजिस्टर कर सकते हो, यानी कि आप इसको कैसे रिमूव कर पाओगे। अगर आपको रिमूव करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लगातार देखें, मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसको भीम यूपीआई को कैसे यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अगर आपको यह जानना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने फ़ोन में जो कि हमारा माई जियो ऐप है वो एप्लीकेशन है हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है यूपीआई वाला ऑप्शन, यूपीआई वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मेरा यहाँ पर ऐड है और अब मुझे ये डी रजिस्टर करना है, मुझे यहाँ से ये हटाना है माई जियो ऐप में से अपने अकाउंट को हटाना है। तो मैं इसको कैसे हटा पाऊँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा यूपीआई लगा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे नीचे आना होगा। सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लगा हुआ है डी रजिस्टर यूपीआई अकाउंट। इस पर हमको क्या करना होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो डी रजिस्टर नाउ जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है जो कि आपका अकाउंट नंबर हो, तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। आपको अपना अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो प्लीज़ नोट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर यूपीआई आईडी विल गेट ब्लॉक्ड फॉर 2 ईयर पोस्ट डी रजिस्टर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है अगर आपने इसको यहाँ पर डी रजिस्टर कर दिया तो आप इसको 2 साल के लिए हम ब्लॉक कर देंगे, तो ये 2 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है वो है यू कैन री रजिस्टर फॉर यूपीआई पेमेंट सर्विस बाय क्रिएटिंग ए डिफरेंट यूपीआई आईडी। अगर आप इसको दोबारा से चालू करना चाहेंगे तो आपका यह वाला जो यूपीआई आईडी लगा हुआ है वो नहीं चालू होगा और दूसरा आपको यहाँ पर डिफरेंट यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी, तभी आप इसको चालू कर पाओगे। तो अगर आपको 2 साल के लिए ये यहाँ पर ब्लॉक करवाना है अपना अकाउंट माई जियो ऐप में जो यूपीआई आईडी है, तो आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद में आपका ये डी रजिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे इसको कि आप इसको डी रजिस्टर कैसे कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको इसी प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, यही छोटी सी जानकारी थी इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।